हमारे फोर पर्सन डॉक्टर उषा सिंह मैम को आज शुभ संध्या। और क्योंकि आज हम लोग योग दर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं और जिन फोर पर्सन से पढ़ने वाले हैं उनका मैं थोड़ा सा एक परिचय आपको दे दूं। डॉक्टर विभा सिंह पूर्वांचल का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय सिंगरामऊ जौनपुर, वहां पर कार्यरत है। और उनको 25 ईयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और दर्शन में इनकी इतनी कमांड है कि जब बच्चे इनसे पढ़ते हैं तो जो बच्चों के कमेंट्स हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासा होती है नई नई चीजों को जानने की मैम से दर्शन पढ़ने के पश्चात। तो दर्शन के वास्तविक अर्थ को समझाने में मैम को महारत हासिल है और मेरे रिक्वेस्ट पर और शॉर्ट नोटिस पे मैम ने एक्सेप्ट किया है हम लोगों को ओरिएंट करने के लिए। तो आज के लेक्चर में डॉक्टर विभा सिंह मैम के द्वारा योग दर्शन के ऊपर प्रकाश डाला जाएगा। और देखिए, हम लोग यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं और यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता है कि योग दर्शन एक इतना बड़ा दर्शन है जिसको समझने के लिए एक पूरा एक सब्जेक्ट की तरह ये ट्रीट किया जाता है, उसको समझने के लिए कई क्लासेस की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन फिलहाल हम लोग अपने एक्सप्लेनेशन को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे उन चीजों की तरफ जिन चीजों के ऊपर यूजीसी नेट से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और जिन चीजों के संदर्भ में योग दर्शन को दिया गया है। तो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं विभा सिंह मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे पार्टिसिपेंट्स को ओरिएंट करें योग दर्शन के बारे में। और आशा है कि सारे सारे जितने पार्टिसिपेंट जुड़ेंगे वो सभी लाभान्वित होंगे, इंक्लूडिंग मी। ओवर टू यू विभा सिंह मैम। धन्यवाद योगेश जी, आपने आज ही सुबह मुझे बताया कि मुझे योग दर्शन पर बोलना है और मैंने उसको आपका आंसर से स्वीकार किया। और देखती हूँ मैं आपकी आकांक्षाओं पर कितनी खरी उतरती हूँ। तो सर्वप्रथम ग्रुप के सभी मेंबर्स को गुड इवनिंग और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, इसमें योग दर्शन भी एक टॉपिक है जो कि मैं बहुत तो नहीं एक घंटे में बता पाऊंगी, लेकिन जितना बता पाऊंगी उतना समझती हूँ आपके लिए लाभप्रद होगा। तो योग दर्शन टॉपिक पे मैं आ जाती हूँ। योग दर्शन ये में दो शब्द हैं, योग और दर्शन है। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि योग है क्या। तो किसी भी चीज का हम सबसे पहले शाब्दिक अर्थ देखते हैं, तो योग का भी शाब्दिक अर्थ देखते हैं। तो योग जो यह शब्द है यह संस्कृत भाषा की युज धातु में घञ प्रत्यय लगाने से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है एकीकरण, मिलना, एकीकरण हो जाना। तो किससे एकीकरण हो जाना? जीवात्मा का परमात्मा से एकीकरण हो जाना, या आप कह लीजिए कि मनुष्य के व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक पक्षों का एकीकरण। अर्थात जब संयम पूर्वक साधना करते हुए आत्मा का परमात्मा से योग करके समाधि का आनंद होता है वह योग कहलाता है। योग के शाब्दिक अर्थ में मतलब ये कह सकते हैं कि अर्थात जो हमारी चेतना है, या चेतना कह लीजिए या आत्मा कह लीजिए, तो चेतना को परम चैतन्य प्रभु के साथ संयुक्त कर लेना, ये योग का शाब्दिक अर्थ हुआ। योग शब्द की जो योग शब्द है वो भारत में बहुत प्राचीन काल से ये शब्द मिलता है, ये नहीं है कि बहुत आधुनिक युग का ये शब्द है। तो योग शब्द की चर्चा वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, गीता, पुराण सभी में मिलती है। लेकिन ईशा पूर्व एक महर्षि हुए जिनका आप सभी नाम जानते हैं, महर्षि पतंजलि, उन्होंने योग सूत्र की रचना की और इसे एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित करने का कार्य किया। योग सूत्र का आरंभ ही अथ योगानुशासनम, किससे हुआ आरंभ? अथ योगानुशासनम से किया गया है। अर्थात योग जो है वह जीवन जीने की कला है, क्योंकि लोग योग को, योग के प्रति बहुत सी भ्रांतियां हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि यह एक किसी विशिष्ट विशेष व्यक्तियों के लिए है, साधुओं के लिए, सन्यासियों के लिए है, धर्म से भी इसको जोड़ते हैं, लेकिन यह इसमें किसी भी चीज का नहीं है। ना इसमें धर्म का कोई स्थान है, ना जाति का स्थान है, ना लिंग का स्थान है। इसको उसमें इसको कोई भी किसी भी धर्मावलंबी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, बच्चा बूढ़ा जवान सभी इस योग का लाभ उठा सकते हैं, योग को कर सकते हैं। जो पतंजलि का योग सूत्र है उसके चार, क्योंकि मैं आप यूजीसी नेट के विद्यार्थी हैं इसलिए कुछ मुख्य मुख्य बातें जिस जहां मुझे समझ में आई है कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो मैंने उस पर भी ध्यान दिया है। तो जो पतंजलि का योग सूत्र है यह इसमें कुल चार पाद हैं जिसको पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। एक है, आप नोट करना चाहे नोट करते हैं, समाधि पाद, दूसरा है साधन पाद, तीसरा है विभूति पाद और चौथा है कैवल्य पाद। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। योग सूत्र पर ही व्यास जी ने एक भाष्य लिखा जिसे योग भाष्य कहते हैं, योग भाष्य कहते हैं। यह भाष्य योग दर्शन का बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है और वाचस्पति मिश्र ने भी इस पर, तो बहुत से लोगों ने टीकाएं लिखी हैं, आधुनिक समय में भी बहुत सी टीकाएं आपको मिलती हैं, लेकिन जो पहले की मुख्य मुख्य टीकाएं हैं उस पर मैं बता रही हूँ। वाचस्पति मिश्र ने योग सूत्र पर टीका लिखी है जो तत्व वैशारदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तत्व वैशारदी के नाम से जाना जाता है। महर्षि पतंजलि जो योग सूत्र के रचयिता है या प्रणेता है कह लीजिए, तो महर्षि पतंजलि ने योग शब्द को परिभाषित करते हुए, अभी तक आपने शाब्दिक अर्थ योग का देखा, अब पतंजलि के अनुसार योग के अर्थ को देखिए वो क्या कह रहे हैं। कि महर्षि पतंजलि ने योग शब्द को परिभाषित करते हुए कहा है कि योग चित्त वृत्ति निरोध निरोध, अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त क्या है? मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार है उसको कहते हैं। और यह मन बुद्धि अहंकार आप सभी जानते हैं कि बहुत ही चंचल होता है और इसका निरोध आवश्यक है। व्यास जी ने, मैं चित्त वृत्तियां क्या है इसको भी बताती हूँ, लेकिन जो व्यास जी ने योग भाष्य लिखा है अपने योग भाष्य में उन्होंने पांच चित्त की पांच अवस्थाओं का उल्लेख किया है जिसको चित्त की भूमि भी कहते हैं। तो चित्त की भूमि या चित्त की अवस्थाएं, जिस रूप में भी क्वेश्चन आए आप समझ आइएगा कि यही हमें लिखना है, चित्त की पांच अवस्थाएं या चित्त की पांच भूमिया, वो क्या है? क्षिप्त, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त चित्त की वह अवस्था कही जाती है जिसमें रजोगुण प्रधान होता है, जिसमें तीन गुण आप सभी जानते हैं, सत्व, रजो और तमो। तो अवस्था है जिसमें रजोगुण प्रधान होता है और इस अवस्था में चित्त अत्यंत चल होता है, सक्रिय होता है। तो इस कारण इस किसी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होता है, तो यह योगाभ्यास के लिए उपयुक्त यह अवस्था नहीं होती। दूसरी अवस्था है मूढ़ अवस्था। चित्त के बाद दूसरी अवस्था है मूढ़ अवस्था जिसमें तमो गुण की प्रधानता होती है। जैसे ऐसे व्यक्तियों को निद्रा आलस की, ऐसे व्यक्तियों में निद्रा आलस की प्रबलता देखी जाती है। तो ऐसे व्यक्ति मूढ़ा अवस्था भी है, जो अवस्था है इसमें भी योगाभ्यास करना उचित नहीं है, योगाभ्यास के लिए अनुकूल नहीं होता है। तीसरी अवस्था है विक्षिप्त अवस्था। इसमें कुछ समय के लिए ध्यान लगता है लेकिन स्थिर नहीं रहता, थोड़ा सा ध्यान लगता है लेकिन स्थिर नहीं होता, क्योंकि इस अवस्था में तमोगुण तो नहीं के बराबर होता है लेकिन रजोगुण थोड़ा का अंश होता है, रजोगुण का अंश विद्यमान होने कारण थोड़ा बहुत ध्यान लगता है लेकिन पूरी तरह से ध्यान नहीं लग पाता, स्थिर नहीं होता। तो
इसीलिए इस अवस्था मतलब ये कह सकते हैं कि यह अवस्था चित्त और मूल के बीच की अवस्था कही जा सकती है। चौथा अवस्था एकाग्र अवस्था, सद्गुण की प्रधानता इसमें होती है। सद्गुण की प्रधानता कारण चित्त देर तक ध्यान लगाता है, यद्यपि चित्त वृत्तियों का संपूर्ण रूप से निरोध नहीं हुआ होता। सद्गुण की प्रधानता होती है तो चित्त ध्यान लगाता है, लेकिन चित्त वृत्तियों का संपूर्ण रूप से निरोध नहीं हुआ होता है, जिसके कारण यह अवस्था भी मतलब योग अभ्यास में सहायक होती है, लेकिन पूरी तरह से हम योगी हो जाए ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है निरुद्ध अवस्था, पांचवी अवस्था कौन सी है? निरुद्ध अवस्था व्यास जी ने बताया है कि इस अवस्था में चित्त का चित्त की जो सारी वृत्तियां हैं उनका निरोध हो चुका होता है। निरुद्ध से आप समझ रहे हैं यही जो चित्त वृत्ति निरुद्ध है, यही निरुद्ध है निरुद्ध अवस्था कि चित्त इसमें चित्त का वृत्तियों का संपूर्ण रूप से निरोध हो जाता है, इसलिए यह योगाभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था है। तो इस तरह से आपने देखा कि व्यास जी ने चित्त की पांच अवस्थाएं बताई हैं, क्षिप्त, मूल, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इसमें क्षिप्त, मूल और विक्षिप्त साधारण अवस्थाएं कही जा सकती हैं और एकाग्र और निरुद्ध को हम असाधारण अवस्था में कह सकते हैं। योग जैसा कि आपने पढ़ा होगा या जाना होगा कि योग जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए और विवेक ज्ञान के लिए किया जाता है, कि योगाभ्यास पर इसमें बल दिया जाता है कि अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, विवेक ज्ञान प्राप्त करना है तो योगाभ्यास हमें करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा, तो ये चित्त वृत्तियां क्या है? वास्तव में चित्त वृत्तियां क्या है? तो चित्त वृत्तियां भी पांच है, प्रमाण, विपर्य, मैं सबकी संक्षेप में बता रही हूँ, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये पांच चित्त वृत्तियां पतंजलि ने बताई हैं। और प्रमाण को भी इन्होंने तीन बताया है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। क्या कौन सा? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष माने इंद्रियों द्वारा जो प्रत्यक्ष ज्ञान हमें प्राप्त होता है प्रत्यक्ष है, और अनुमान जो प्रकट नहीं है, केवल अनुमान जिस वस्तु पर किया जाता है वो अनुमान है। और शब्द से आप समझ रहे हैं कि किसी वेद शास्त्र किसी पुस्तक से हमने ज्ञान प्राप्त किया, गुरुमुख से ज्ञान प्राप्त किया। शब्द आप्तवचन भी कहते हैं, एक शब्द आता आप्त, आधा प आप्त, तो इसको आप जानते रहिए। और विपर्य जो दूसरा चित्त की वृत्ति है वह है विपर्य। विपर्य का मतलब होता है मिथ्या ज्ञान या विपरीत ज्ञान। जैसे अंधेरे में पड़ी रस्सी को देखकर सर्प का आभास हो जाना, ये क्या है? मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान। तीसरा है विकल्प, मतलब विकल्प का पर जिस वस्तु का ज्ञान हो उस वस्तु का अत्यंत अभाव है, मतलब शब्द और ज्ञान के आधार पर कल्पना करने वाली वृत्ति क्या कहलाती है? विकल्प। हम कल्पना बहुत कुछ कर लेते हैं लेकिन वह वास्तव में उस वास्तविकता वास्तव में वो ज्ञान का अभाव होता है। नेक्स्ट है निद्रा। निद्रा के आधार पर आप समझ रहे मूढ़ावस्था में भी अज्ञानता, निद्रा अज्ञानता, विद्या, स्मृति, पांचवा स्मृति अतीत के अनुभव को बार बार स्मृति में लाना। अब आप कहेंगे कि क्या अतीत के अनुभव को बार बार स्मृति में लाना गलत है? लेकिन इनका महर्षि पतंजलि का स्मृति वृत्ति को बताने का तात्पर्य है कि अगर स्मृति या अनुभव सकारात्मक है, उससे आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ प्रेरणा ले रहे हैं, तब तो वो अच्छा है। लेकिन अगर आप ऐसी चीजों को बार बार, ऐसे अनुभव को बार बार याद कर रहे हैं जो नकारात्मक है, जो आपके लिए प्रेरणा का कार्य नहीं कर रहा है, तो
उसको बार बार सोचना, उसको बार बार स्मरण में लाना उचित नहीं होगा। मेरे ख्याल से संक्षिप्त में ही आप योग का अर्थ, योग का शाब्दिक अर्थ और महर्षि पतंजलि के अनुसार योग का क्या अर्थ है इसको समझ लिए होंगे। योग दर्शन में जो दूसरा शब्द है वह क्या है? दर्शन। तो योग दर्शन जानने से पहले हम दर्शन को संक्षिप्त रूप से जानने का प्रयास करते हैं। जो लोग दर्शन के विद्यार्थी होंगे या एमएड के विद्यार्थी होंगे वो बहुत कुछ जानते होंगे, किंतु भी संक्षिप्त में दर्शन शब्द द्विज धातु में लुट प्रत्यय लगाकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान। उपनिषद में भी कहा गया है दृश्यते नेन हि दर्शनम्, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए, जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। इसको एक रूप में और कह सकते हैं कि इसका अर्थ ज्ञान प्राप्त किया जाए, ज्ञान प्राप्त किया जाए भी इसका अर्थ जाता है। और ज्ञान प्राप्त करने का सबसे विश्वसनीय उपाय है क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान। एक या इसमें ये कि मतलब ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे आप प्राप्त करते हैं? जो ज्ञान हमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियां क्या है? जैसे आंख है, नाक है, कान है, त्वचा है, इनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाए, मतलब जो देख कर ज्ञान प्राप्त किया जाए, जिसके द्वारा देखा जाए। यह भी प्रश्न उठता है कि देखा जाए तो क्या देखा जाए? प्रश्न उठता है कि देखा जाए क्यों? क्योंकि बिना कारण के कोई क्रिया नहीं होती, और मनुष्य को किसी वस्तु को देखने, जानने, समझने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। एक दार्शनिक में प्लेटो, सभी जानते होंगे, प्लेटो ने दर्शन का जन्म आश्चर्य से माना है, कुतूहल से माना है और जिज्ञासा से माना है। और कहना है कि अगर हमारे अंदर किसी भी चीज को देखकर आश्चर्य नहीं हुआ, कुतूहल पैदा नहीं हुआ, जिज्ञासा नहीं हुआ, तो हमारा चिंतन उस पर कैसे चलेगा? फिर हम उस सत्य ज्ञान तक कहां तक पहुंचेंगे? तो इसलिए दर्शन के प्रति ने आश्चर्य, कुतूहल और जिज्ञासा से माना है। वहीं एक दार्शनिक है डेकार्ते ने दर्शन का जन्म कुतूहल से माना है। कि कुतूहल, जब हमारे अंदर किसी भी चीज को जानने के लिए कुतूहल होता है तो हम उसके नजदीक तक पहुंचते हैं, सत्य ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और कुछ विद्वानों ने, कुछ दार्शनिकों ने मानसिक अशांति से दर्शन का जन्म माना है। तो कहने का तात्पर्य है कि दर्शन एक ऐसा शास्त्र है जिसमें परम सत्य का दर्शन किया जाता है। और दर्शन मतलब जिसमें आप कह सकते हैं कि जिसमें परम सत्य का दर्शन किया जाता है वह दर्शन शास्त्र कहलाता है। और जिसमें परम सत्य का दर्शन किया हो और या परम सत्य का दर्शन कराने में हमारी मदद करता, जिसने परम सत्य का दर्शन किया हो और परम सत्य का दर्शन कराने में हमारी मदद कर सकता हो, उसे हम दार्शनिक की श्रेणी में रखते हैं। अब इसका अर्थ हम, चूंकि इसका अंग्रेजी पर्याय फिलॉसफी होता है, तो फिलॉसफी जो यह शब्द है ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिस जो दो फिलॉस और सोफिया मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है लव विद विजडम, अर्थात ज्ञान से प्रेम, विद्या से प्रेम, विद्या से अनुराग, प्रेम। कहने का तात्पर्य कि दर्शन केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, अर्थात इसमें केवल पुस्तक पढ़ लिया, दर्शन का को पढ़ लिया और उसको लिख लिया, परीक्षा पास कर ली, दर्शन ही नहीं, अपितु तार्किक चिंतन, गहन चिंतन, दिव्य दृष्टि, आत्मज्ञान,
आदि का साक्षात्कार करना ही दर्शन कहा। दर्शन के क्षेत्र के अंतर्गत बहुत से विभाग आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीन विभाग हैं जिनके आधार पर हम पूरे दर्शन को लेकर चलते हैं। मतलब कि आप कह सकते हैं कि दार्शनिक चिंतन की का जो आधार है वह है तत्व ज्ञान, नहीं सॉरी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा या आचार मीमांसा। तो योग दर्शन की अब हम लोग योग दर्शन पर आते हैं क्योंकि मुख्य टॉपिक हमारा योग दर्शन ही है। तो योग दर्शन की तत्व मीमांसा क्या है पहले हम जानते हैं, क्योंकि दर्शन देखना है तो उसकी योग दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा को जानना अत्यंत आवश्यक है। तत्व मीमांसा के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है पहले आप ये जानिए। तत्व मीमांसा मतलब मीमांसा का अर्थ आप सभी जानते होंगे किसी वस्तु का यथार्थ वर्णन। तो तत्व मीमांसा के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है, जैसे ईश्वर विश्व विषय तत्व ज्ञान, आत्मा विषय तत्व ज्ञान, सृष्टि शास्त्र, ब्रह्मांड विज्ञान, सत्ता विज्ञान इत्यादि। और जो तत्व मीमांसा है इसका अंग्रेजी पर्याय क्या होता है, मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स इसका तात्पर्य हम देखें, इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ है जो भौतिक संसार से परे, जो जिस भौतिक संसार से परे है उसकी व्याख्या उसके तत्व मीमांसा के अंतर्गत की जाती है। तो योग दर्शन में ईश्वर को महत्व दिया गया है, मतलब ये मुख्य रूप से तीन तत्वों की बात करता है, ईश्वर पुरुष या आत्मा कह लीजिए और प्रकृति। तो योग दर्शन में ईश्वर को महत्व दिया गया है। योग दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है, चित्त वृत्तियों का निरोध करना। और चित्त वृत्तियों का निरोध इसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, ईश्वर प्राणिधान द्वारा। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान अर्थात ईश्वर में आस्था, मतलब ईश्वर की आस्था के बिना चित्त वृत्तियों का निरोध संभव नहीं है। ईश्वर को योग दर्शन विशेष पुरुष मानता है और इसको सर्वशक्तियों से संपन्न मानता है, अर्थात ये सर्वशक्तिमान है, अनंत है, अनादि है और यह भोक्ता नहीं है, ये भोग फल मुक्त है। यह बोले और कहीं कहीं कभी कभी प्रश्न उठता है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर अनेक है और कुछ कहते हैं कि ईश्वर एक है। तो योग दर्शन कहता है, योग दर्शन का मानना है कि ईश्वर अनेक नहीं है एक। इस पर भी ध्यान दीजिएगा आप लोग कि योग दर्शन ईश्वर के विषय में क्या कहता है, ईश्वर अनेक नहीं है एक है, इसीलिए इसे एकेश्वरवाद भी कहा जाता है, इसको एकेश्वरवादी दर्शन भी कहा जाता है। यह त्रिगुणातीत है, कहा जाता है ना ईश्वर जो है त्रिगुणातीत है, अनंत है, अनादि है, सर्वशक्तिमान है। ये सब बातें ईश्वर के विषय में ये कहते हैं और से इन्हें एकेश्वरवादी एक ईश्वर में विश्वास करने के कारण इसे एकेश्वरवादी दर्शन भी। दूसरा जो तत्व है वह है पुरुष या आत्मा। पुरुष या आत्मा अविद्या या अज्ञानता के कारण, आत्मा जो है या कह लीजिए पुरुष जो है वह प्रकृति मतलब स्वयं को प्रकृति समझती है, मतलब वो प्रकृति से अपने को भिन्न नहीं समझती है, मतलब जड़ प्रकृति में एक तरह से कह लीजिए कि स्वयं को आरोपित कर लेती है जो उसके दुख का कारण बनता है। और योग दर्शन का उद्देश्य
पुरुष को अज्ञानता से मुक्त करा है, और इस अज्ञानता से कि वह ये जाने कि प्रकृति और पुरुष एक नहीं है बल्कि भिन्न है, प्रकृति अलग है पुरुष अलग है, और उसी अज्ञानता मतलब यह विवेक ज्ञान वह उसको कराना चाहते हैं कि प्रकृति पुरुष से भिन्न है, और यह जानने के बाद जब यह विवेक ज्ञान होता है तभी उसके सभी दुखों का नाश हो सकता है, नहीं तो वह इसी संसार रूपी भौजाल में फंसा रहता है, जन्म मरण के चक्कर में लगा रहता है और दुख सुख भोगता रहता है। इसीलिए आत्मा आत्मा को यह कर्म फल भोक्ता मानते, ईश्वर को कर्म फल भोक्ता नहीं मानते, लेकिन आत्मा को यह कर्म फल भोक्ता मानते। तीसरा जो तत्व है वह है प्रकृति। योग दर्शन का मानना है कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही इस सृष्टि की रचना है, प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सृष्टि की रचना होती है, और प्रकृति में ये तीन गुण को मानते हैं, कौन कौन से गुण, सत्व गुण, रजोगुण और तमस गुण। सत्व की अधिकता से ही साधक समाधिस्थ होता है, अगर हमारे अंदर सत्व गुण की प्रधानता हो जाए मनुष्य के अंदर तो वो समाधिस्थ हो सकता है, वो योगाभ्यासी हो जाता है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, एकाग्रता शक्ति बढ़ती है और वह निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है। लेकिन रजो और तमो गुण उसमें बाधा पहुंचाता है, मतलब तमो और रजो और तमो गुण होने पर वो समाधि में आगे नहीं बढ़ पाता, समाधि से नहीं हो पाता। तो इस तरह आप देखा कि तत्व मीमांसा के अंतर्गत योग दर्शन तीन तत्वों की बात करता है, ईश्वर पुरुष या आत्मा और प्रकृति। तीसरा इसके बाद हम लोग देखते हैं ज्ञान मीमांसा, कि ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में योग दर्शन का क्या विचार है। योग दर्शन के ज्ञान का जो आधार है वो पतंजलि लिखित योग सूत्र है। अभी योग सूत्र के बारे में अभी आपने संक्षिप्त में जाना था, तो जो पतंजलि ने योग सूत्र लिखा तो योग दर्शन का जो ज्ञान का जो आधार है उसको हम पतंजलि द्वारा लिखित योग सूत्र को ही मान सकते हैं। योग दर्शन बाह्य जगत के ज्ञान के लिए बाह्य इंद्रियों, हमारे ख्याल से आप समझ रहे होंगे बाह्य इंद्रियों, और आंतरिक उपकरणों अर्थात आंतरिक उपकरण में ही बताते हैं मन बुद्धि और अहंकार, मतलब इनके समुच्चय को ही ये चित्त की संज्ञा देते हैं। किसके समुच्चय को, मन बुद्धि और अहंकार। चित्त की चित्त जो है वो अविद्या से ढका होता है, अविद्या से आच्छादित होने के कारण उसमें मिथ्या ज्ञान होता है जिससे क्लेश की उत्पत्ति होती है, दुख दुख आता है, क्लेश की उत्पत्ति होती है, और इन क्लेशों से ही कर्म अर्थात धर्म और अधर्म बनते हैं, तथा उन्हीं से जाति भोग इत्यादि भी उत्पन्न होते हैं। तो चित्त चित्त मतलब जिससे जिससे क्या होता है, चित्त में ये सब चीजें होने के कारण, चित्त जो है अविद्या से आच्छादित होने के कारण व्यक्ति को कभी सुख आता है कभी दुख आता है, कभी वो सुख भोगता है कभी दुख भोगता है, और चित्त को शुद्ध करने के लिए मिथ्या ज्ञान का नाश करना अत्यंत आवश्यक है। योग दर्शन बताता है कि चित्त को शुद्ध करने के लिए मिथ्या ज्ञान का नाश करना बहुत ही आवश्यक है, और पदार्थों का ज्ञान मनुष्य को किसके द्वारा होता है, इंद्रियों द्वारा होता है, और आत्मा का ज्ञान चित्त के द्वारा होता है। योग क्रिया के अंतिम चरण समाधि की स्थिति में आत्मा परमात्मा के योग से मनुष्य उस स्थिति में पहुंच जाता है जबकि कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, तब
तभी वह क्लेशों से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। लेकिन सबसे पहले क्लेशों को जानना, पहले तो हम ये नहीं समझ पाते ना कि दुख है, है? और दुख दुख का क्या कारण है। जब हम दुख हम स्वयं को जानेंगे, दुखों को जान दुख को जानेंगे, उस पर चिंतन करेंगे दुखों की क्या कारण है कि दुख बार बार हमारे सामने आ जाते हैं, कभी दुख आता है कभी सुख आता है, और उसमें बहुत आनंदित रहते हैं उसमें बहुत दुखी हो जाते हैं। तो इन सबको जानना और उनका निवारण करना, मतलब तभी तभी योगाभ्यास में भी हम आगे बढ़ पाते हैं। और योग की जो अंतिम क्रिया है, योग क्रिया का जो अंतिम चरण है, आप सभी जानते हैं समाधि। तो समाधि की स्थिति में आत्मा परमात्मा के योग से मनुष्य उस स्थिति में पहुंच जाता है जबकि कुछ भी जानना शेष नहीं रहता और क्लेशों का हमेशा के लिए नाश हो जाता है, प्रज्ञा का उदय होता है और प्रकृति और पुरुष की एक दूसरे से भिन्न है ऐसा विवेक ज्ञान जागृत हो जाता है, तो भी क्लेशों का नाश संभव है। तो इस तरह से आपने ज्ञान मीमांसा को देखा कि जिस ज्ञान मीमांसा ज्ञान का आधार ही, योग दर्शन के ज्ञान का आधार ही क्या है, पतंजलि द्वारा लिखित योग सूत्र। अब हम लोग देखते हैं योग दर्शन की मूल्य मीमांसा। दर्शन शास्त्र की इस शाखा में मूल्यों पर बात की जाती है, आदर्शों पर बात की जाती है, लक्ष्यों पर विचार किया जाता है। इसमें नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र एवं प्रमाण शास्त्र निहित होता है। इसमें मनुष्य के करणी अकरणी, क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है, इस पर विचार किया जाता है। इसीलिए इसे आचार मीमांसा भी कहा जाता है। आचार मीमांसा या नीति शास्त्र जिसको कहते हैं, क्योंकि यह नैतिक जीवन से संबंधित होता है। और सौंदर्य शास्त्र भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आता है कि सौंदर्य का क्या मतलब है, सौंदर्य के क्या मापदंड हैं इत्यादि, पर क्या क्या सुंदर है, क्या असुंदर है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सभी कुछ इसमें सम्मिलित होते हैं। इसके अंतर्गत प्रमाण शास्त्र भी आता है। प्रमाण शास्त्र अर्थात जाने पहचाने तथ्यों से, जो भी तथ्य है जाने पहचाने तथ्यों से चिंतन शुरू इसमें होता है। जाने पहचाने तथ्यों से इसमें चिंतन शुरू होता है जिसे प्रमाण कहते हैं। प्रमाण और प्रमाण के आधार ही परिणाम का अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि और यह सही है और सही है तो किस सीमा तक सही, प्रमाण के आधार से ही। जब हम सत्य ज्ञान तक पहुंचते हैं तो हम प्रमाणों के आधार पर, जो पूर्व के प्रमाण है, जाने पहचाने तथ्य है, उसी को लेकर तो आगे बढ़ते हैं हा? और उन्हीं प्रमाणों के आधार पर हम सत्य को जानते हैं कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, मतलब परिणाम को जानते कि क्या हमें परिणाम प्राप्त हुआ, जो हमने इतने दिन तक खोज किया क्या पाया उसमें कितना सही है कितना गलत है, या सही है तो किस स्तर तक सही है, कितनी किस सीमा तक सही है। तो इस तरह से हम देखे तो महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में मूल्य मीमांसा के अंतर्गत या आचार मीमांसा के अंतर्गत हम कर सकते हैं कि चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए अष्टांग योग मार्ग का समर्थन किया है। किसका समर्थन किया है? अष्टांग योग मार्ग का समर्थन किया है। जो महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित अष्टांग योग है वह तो योग साधना की व्यवहारिक तकनीक का उत्तम उल्लेख है। योग की पूर्ण साधना के लिए आठों अंगों का अभ्यास ये आवश्यक बताते हैं, क्योंकि जब तक हम आठों अंगों का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम योग साधना में या समाधि तक पहुंचना हमारे लिए कठिन होगा। तो ये आठ अष्टांग योग इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आठ अंग है। कौन कौन से? यम, नियम,
आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। अब हम देखते हैं कि यम क्या है। संक्षिप्त में तो अगर हम कह लें कि मन वचन कर्म पर संयम यम, लेकिन यम पांच इन्होंने बताए हैं। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा अर्थात मनसा वाचा कर्मा, कभी भी किसी को किसी प्रकार का दुख न देना। लोग सोचते हैं कि हमने वाणी से कुछ बोल दिया तो दुख पहुंचा, किसी को मार दिया या कुछ कर दिया कर्म द्वारा तो हुआ, लेकिन मनसा भी, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख न देना। इसके अभ्यास से आपस में भाईचारा बढ़ती है, प्यार की भावना का विकास होता है, घृणा की भावना जाती रहती है, घृणा की भावना का भी अहिंसा का ही अंग कहा जा सकता है। दूसरा है सत्य। सत्य सत्य एक महत्वपूर्ण यम है। दूसरा यम क्या है? सत्य। यह भी एक महत्वपूर्ण यम है, क्योंकि सत्य पर ही अन्य यम तथा नियमों का पालन निर्भर होता है। तीसरा है अस्ते। अस्ते माने किसी झूठ न बोलना या दूसरे के धन वस्तु को अपने में प्रयोग करना। शुद्धि होती है और व्यापक सामाजिक तनाव भी कम होता है। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से आप ब्रह्मचर्य शब्द से ही आप समझ रहे होंगे, ब्रह्मचर्य का मतलब है इंद्रियों पर नियंत्रण। ब्रह्मचर्य साधक के मन का शरीर को तो, ब्रह्मचर्य का जो साधक है वो साधक के मन, मन तो शरीर तो शुद्ध रखता ही है, उसका मन भी शुद्ध होना चाहिए। मतलब जो मनसा वाचा करना कहा गया है वो हर इसके जो यम है इसके हर पार्ट में काम कर रहा है कि मनसा वाचा कर्मणा हर तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना। नेक्स्ट है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह न करना, लोभ न करना, दूसरे के द्रव्य को स्वीकार न करना। हमें आदत होती है ना, मनुष्य का नेचर है धन संग्रह करने का, आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करने का। तो उसे करें कि जितनी आवश्यकता है उतना ही आप धन का संग्रह करें। ये अष्टांग योग का पहला अंग हुआ यम, जिसको जिसे पांच अंग आपने देखे, अब पांच प्रकार देखे। अब हम देखते हैं दूसरा अंग, वह है नियम। नियम भी पांच इन्होंने बताया है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। शौच, शौच का तात्पर्य पवित्रता, अर्थात जीवन की शारीरिक एवं मानसिक क्रियाकलाप के प्रत्येक क्षेत्र में शुद्धता का अभ्यास। शरीर, वस्त्र, स्थान आदि को शुद्ध करना, शुद्ध भोजन करना, पवित्र व्यवहार करना, ये सब क्या है? जप, तप तथा शुद्ध विचारों द्वारा ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि से अलग होना, पवित्र रखना, अपने को पवित्र रखना आभ्यंतर शौच। तो दोनों शौच, चाहे शारीरिक शौच हो चाहे मानसिक शौच हो, दोनों को शुद्ध करना ही ये शौच है। दूसरा है संतोष। संतोष का इनका तात्पर्य
संक्षिप्त में मैं बताती हूँ, कर्तव्य का पालन करते हुए का जो भी परिणाम मिले, कर्म तो करना है ना, गीता में भी कई कर्म हम इस संसार में आए हैं तो कर्म तो करना है, तो जो भी कर्म आप कर रहे हैं कर्तव्य का पालन करते हुए उसका जो भी परिणाम मिले और जो भी प्राप्ति हो उससे संतुष्ट रहे। किसी भी प्रकार की अन्य किसी भी कामना न करना, यही संतोष है। और हर हाल में कहा जाता है ना कि हर हाल में खुश रहना, हर हाल में प्रसन्न रहना। तीसरा नियम है तप। तप अर्थात अपने वर्ण आश्रम परिस्थिति और योग्यता अनुसार स्वधर्म का पालन करना और उसमें उसके पालन में शारीरिक मानसिक कष्ट को सहज स्वीकार करना ही है। व्रत उपवास आदि भी तप है, लोग व्रत करते हैं उपवास करते हैं वो भी तप है। मतलब निष्काम भाव से निस्वार्थ भाव से तप करने पर अंतःकरण स्वयं शुद्ध हो जाता है। तप तप में भी कभी कभी स्वार्थ होता है ना, हम पूजा पाठ भी करते हैं व्रत भी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ छिपा होता है कि हम ये व्रत कर रहे हैं तो मुझे ये फल की प्राप्ति है। लेकिन नहीं, ये कह रहे हैं कि निष्काम भाव से निस्वार्थ भाव से तप करने पर जो हमारा अंतःकरण है वह स्वयं शुद्ध हो जाता है। चौथा नियम है स्वाध्याय। स्वाध्याय तो मतलब ये सब स्वाध्याय है। और साथ ही स्वाध्याय का अगर आप अर्थ देखें ध्यान से तो क्या है, स्व धन अध्ययन, मतलब स्वयं का भी अध्ययन करना। क्या होता है कि लोग दूसरों को तो जानने का प्रयास करते हैं, ह्यूमन नेचर है, लोगों का नेचर होता है कि दूसरों को जानने का ज्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन स्व का अध्ययन नहीं करते, अपना अध्ययन नहीं करते, अपने को जानने का प्रयास नहीं करते। तो स्वयं को जानना भी इसके अंतर्गत आता है, स्वयं का अध्ययन करना, अपनी कमियों को जानना, अपनी इच्छाओं को जानना। जब हम स्व का अध्ययन करेंगे तभी अपनी कमियों को जानेंगे और उनको दूर कर सकते हैं और अपनी अच्छाइयों को भी जानेंगे तो उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। पांचवा है ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर में आस्था। ईश्वर प्राणिधान अर्थात ईश्वर में आस्था, ईश्वर के नाम रूप का श्रवण कीर्तन था मनन करना, समस्त कर्मों को ईश्वर में समर्पित कर देना, मतलब समर्पण भाव होना। ईश्वर में आस्था माने ईश्वर में समर्पण भाव, जो भी आप करें वो सोच करना करें कि मैं कर रहा हूं, बल्कि समर्पित कर दें कि ईश्वर करवा रहा है, ईश्वर को समर्पित कर दे, मतलब ईश्वर को समर्पित कर देना और उसी के अनुरूप कार्य करना, ईश्वर प्राणिधान। तो हमारे ख्याल से यम नियम आपको समझ में आ गया होगा, पांच यम और पांच नियम। अब तीसरा अष्टांग योग का अंग है वो है आसन। वैसे तो आसनों का पूर्ण वर्णन, आसनों का पूर्ण वर्णन हठ योग के ग्रंथों में मिलता है। मुख्य रूप से आपने सुना होगा हठ योग प्रदीपिका, हठ योग प्रदीपिका का नाम सुना होगा, घेरण संहिता का नाम सुना होगा, इसमें मिलता है। मतलब हठ योग में आसन को प्रमुख स्थान दिया गया है, लेकिन महर्षि पतंजलि ने अपने अष्टांग योग में आसन को तीसरा स्थान दिया है।
महर्षि पतंजलि ने आसन आसन के लिए कहा है स्थिर सुख आसनम। आसन को परिभाषित करते हुए इस तरह से कह सकते हैं कि कहा है स्थिर सुख आसनम, अर्थात जिस आसन में हम स्थिर होकर सुख पूर्वक बैठ सके, बैठकर ध्यान कर सके। मतलब अगर हम ऐसा आसन चयन करते हैं जिसमें कि हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता है, है? तो वह सही नहीं है। तो हमें ऐसे आसन करना चाहिए जिस आसन में बैठकर हम सरलता से बिना किसी कष्ट के ध्यान लगा सके। तो इस तरह से उन्होंने स्थिर सुखासनम के कहा सुखपूर्वक स्थिति में बैठना। मतलब उनका कहना कि वास्तव में योगासन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा शारीरिक मानसिक विकास व्याधिला निवारण प्राप्त किया जाता है। आधुनिक समाज में आसनों का अभ्यास दैनिक जीवन में तनाव को कम करने के लिए भी किया जाता है। योगासन को भी हम कई भाग आसन तो बहुत से हैं योगासन को, लेकिन हम मुख्य रूप से तीन भागों में बांट सकते हैं, ध्यानात्मक आसन, विश्रांतिकर आसन और संवर्धनात्मक आसन। ध्यानात्मक आसन जैसे आपने अगर आप आसन करते होंगे या उस पर पढ़ा होगा या कभी योग प्रशिक्षण किया होगा, तो जैसे सिद्धासन होता है, पद्मासन होता है, भद्रासन होता है, मुक्तासन है, वज्रासन है, स्वस्तिकासन है, ये सब ध्यानात्मक आसन के अंतर्गत आता है। तो इस अब जिस भी आसन में आप आसानी से सुखपूर्वक बैठकर ध्यान करके उस आसन का चयन आपको करना चाहिए। और दूसरा विश्रांति कर आसन, विश्रांति कर आसन भी कई है लेकिन इस समय मुझे एक ही आसन का नाम याद आ रहा है, शवासन। शवासन, शवासन तो जानते हैं जिसको भी हम अंत में सभी आसनों को करने के बाद आराम की मुद्रा में हो जाते हैं, शवासन मतलब एक शव की तरह। तो इस तरह के आसन जो है वो विश्रांति कर आसन में आते हैं। और तीसरा आसन प्रकार है संवर्धनात्मक आसन, जो हमारे शारीरिक विकास के लिए होता है, जैसे सिंहासन है, गोमुखासन है, धनुरासन है, मत्स्यासन है, पश्चिमोत्तासन है, उत्कटासन है, मयूरासन है, मंडुकासन है, मकरासन है, इत्यादि बहुत से ऐसे आसन है जो संवर्धनात्मक आसन के अंतर्गत आते हैं। तो आसनों को मुख्य रूप से आसन हम योग क्रिया करते हैं, बहुत से आसन करते हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि ने तो अपने योग सूत्र में स्थिर सुख आसनम की ही बात कही। नेक्स्ट अंग है प्राणायाम। प्राणायाम यह श्वसन क्रिया से संबंधित होता है। प्राणायाम मुख्यतः सभी लोग जनरली करते हैं। मतलब यह जो हमारी जीवन धारक शक्ति अर्थात प्राण वायु होता है उससे संबंधित होता है। इसके भी तीन अंग होते हैं, पूरक श्वास को अंदर खींचना, पूरक मतलब श्वास को अंदर खींचना, दूसरा कुंभक मतलब श्वास को थोड़ी देर के लिए रोकना, और रेचक मतलब उसके बाद श्वास को धीरे धीरे निकालना या छोड़ना। तो प्राणायाम भी बहुत सारे हैं, जैसा कि आपने सुना होगा उज्जयी प्राणायाम, सूर्य भेदन प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, कपाल भाती जनरली लोग करते हैं, तो और अनुलोम भी। तो प्राणायाम तो मेरे ख्याल से हम सबको डेली करना ही करना चाहिए, क्योंकि ये प्राण वायु से रिलेटेड होता है। इसको करने से बहुत ही अच्छा होता है, हमारा शरीर मन सभी शुद्ध होते हैं, शरीर नाड़ियों नाड़ियां पूरी शुद्ध होने लगती है, नाड़ियों के शुद्ध पूर्ण रूप से होने लगता है और सकारात्मक चिंतन की बढ़ोतरी होती है। तो ये आपने प्राणायाम के बारे में जाना। नेक्स्ट है धारणा। धारणा अर्थात किसी जब हम किसी भी चीज की धारणा बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को हमने पढ़ लिया, जान लिया और जब तक उस पर चिंतन मनन नहीं किया, उसको धारण नहीं किया, तो ये कहें कि धारण मतलब
चित्त को किसी वस्तु पर एकाग्र धारण में, धारणा में क्या होता है, चित्त को किसी वस्तु को एकाग्र करने का प्रयास किया जाता है। हाँ, तो किसी वस्तु को एकाग्र करने का प्रयास साधन लीजिए, क्या है, धारणा। ध्यान, जब धारणा ध्यासी, धारणा ध्यासी है वो उसका मन किसी ध्येय विषय पर स्थिर हो जाता है, या वो कह लीजिए कि धारणा ध्यासी किसी ध्येय विषय पर अपने मन को स्थिर कर लेता है तो उसे ध्यान कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ध्यान वस्तुतः मन के पूर्ण स्थिरीकरण की प्रक्रिया है। पतंजलि के अनुसार जिस ध्येय वस्तु में, जिस ध्येय वस्तु में, जिसमें भी आपको ध्यान लगाना, आप किसी मूर्ति पे भी ध्यान लगा सकते हैं, अपने दृष्टि के मध्य में ध्यान लगा सकते हैं, किसी पे, किसी ज्योति पे ध्यान लगा सकते हैं, तो जिस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया जाए उसी में चित्त का एकाग्र हो जाना, अर्थात केवल ध्येय वस्तु पर ध्यान का होना, उस बीच में किसी भी दूसरी वृत्ति का ना उठना, ही ध्यान। जब ना एकाग्र मन हो जाए तो उस समय और कोई चीजें ना आए सामने, केवल उसी वस्तु पर हमारा ध्यान केंद्रित। अब अंतिम है समाधि, अष्टांग योग का अंतिम अंग है वह समाधि। तो समाधि में ध्यान एवं ध्याता का भान नहीं होता, ध्यान का और ध्याता का भान नहीं होता, केवल ध्येय रहता है। उसी के एक, उसी के आकार को चित्त धारण करा, एक बीच में थोड़ी आप लोग का ध्यान, इसलिए मैं सबसे कंफ्यूज हो रही थी, कुछ छूट रहा है। प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार, सॉरी आप सभी को, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार मतलब विषयों के इंद्रियों को हटाकर उन्हें अंतर्मुखी बनाना, विषयों से इंद्रियों को हटाकर उन्हें अंतर्मुखी बनाना ही प्रत्याहार, अर्थात प्रत्याहार इंद्रिय व्यापार से मन को अलग करने की प्रक्रिया है। वस्तुतः प्रत्याहार द्वारा योगी जो होता है, जो व्यवहारी होता है, योगी होता है, वह अपने मन को स्वयं में बटोर कर उसे इंद्रियों द्वारा प्राप्त तरंगों से अलग कर लेता है। जब हम मन के नियमन का प्रयास करते हैं तो अनेक मानसिक प्रतिबिंब हमारे सामने आते हैं, जैसे बाह्य जगत द्वारा उत्पन्न नाना प्रकार के भाव जो तरंगों के रूप में ज्ञानेंद्रियों तक पहुंचते हैं, और यह भाव बाह्य जगत की के द्वारा होती है, प्रत्यक्ष अनुभूति से संबंधित होती है और बाह्य जगत के प्रत्यक्ष संपर्क का परिणाम होती है। और दूसरा है कि मानस पटल पर तैरते भूतकाल के अनुभव, जब हम ये प्रयास करते हैं तो ये सारी चीजें हमें हमारे सामने आती है। और तीसरा है कि भविष्य के बारे में अनुमानित भावों के का मानसिक प्रतिबिंब। तो जो द्वितीय तृतीय भाव है, जैसे जो मानस पटल पर रहते भूतकाल के और भविष्य के बारे में मानित भाव, इनका बाह्य जगत के प्रत्यक्ष से संबंध नहीं है, जबकि प्रथम वर्ग के भाव बाह्य जगत की प्रत्यक्षानुभूति से संबंधित होते हैं। तो प्रत्याहार का उद्देश्य मन को इन बाह्य इंद्रियों से हटाकर से अलग करना है, ताकि आगे उच्च स्तरीय के अभ्यास हम कर सके। और आगे उच्च स्तरीय अभ्यास कौन से है, जिसको भी हमने बताया है, धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा, ध्यान और समाधि, इसको हम आसानी से कर सकें
इसके लिए प्रत्याहार बहुत ही आवश्यक है। तो धारणा अब प्रत्याहार के बाद पुनः मैं सॉरी कर रही हूँ, प्रत्याहार के बाद धारणा आता है जिसको मैंने बताया कि चित्त को किसी स्थान में स्थिर करना यह धारणा है और यह समाधि की ओर बढ़ता हुआ पहला कदम है जिसमें साधक किसी ध्येय वस्तु पर मन को स्थिर करना। इसलिए किसी ध्येय वस्तु जैसे भीम ने बताया किसी इष्ट की प्रतिमा या अपने शरीर जैसे नासिका का अग्रभाग या भित्ति के बीच का भाग इस पर मन को स्थिर करता है या किसी स्थूल चीज मूर्ति या किसी कैंडल की ज्योति पर अपना ध्यान एकाग्र करने का प्रयास करता है। तो ये हुआ धारणा। इसके बाद हम लोग ध्यान को देखे थे कि जब धारणा ध्यासी मन को ध्येय पर स्थिर कर लेता है तो उसे ध्यान कहते हैं। और लास्ट में हम लोग समाधि पर आए थे कि समाधि में ध्यान एवं ध्याता का भान नहीं होता, केवल ध्येय रहता है और उसी के आकार को चित्र धारण कर लेता है। समाधि के भी दो भेद बताए गए हैं, एक संप्रज्ञात समाधि और एक असंप्रज्ञात समाधि। समाधि इसको सबीज भी कहते हैं, सबीज भी कहते हैं, और असंप्रज्ञात समाधि इसको निर्वीज भी कहते हैं। मतलब संप्रज्ञात समाधि जब ध्यान किसी स्थूल विषय पर केंद्रित हो जैसे ईश्वर की छवि, तो ध्यान सूक्ष्म विषय पर लगाया जाता है जैसे मैं तन्मात्रा हूँ। तन्मात्रा मतलब शब्द रूप रस गंध स्पर्श इनसे परे हूँ। ध्यान में आनंद का अनुभव होना, ध्यान से बाहर ही नहीं आना, मतलब ध्यान इतना अच्छा ध्यान लगा है कि ध्यान से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं, और बंद आंखों में ज्योति का अनुभव, लेकिन अभी भी अस्मिता से परिचय, मतलब अभी भी यह भान है सब कुछ होते हुए भी, अगर अभी भी यह भान है कि मैं कौन हूं, मतलब अपनी पहचान है, तो यह क्या हुई संप्रज्ञा समाधि या सबीज समाधि। और असंप्रज्ञा समाधि क्या है, जब इससे भी ऊपर हम जाते हैं तो यह निर्वीज स्थिति या असंप्रज्ञात स्थिति से होते होती है जहां ध्याता तथा ध्येय एकाकार हो जाता है। वास्तविक समाधि से निकलने वाले व्यक्ति के पास ये भावातीत समाधि होती है और वह उसे कोई अंतर नहीं होता, ध्यान एवं ध्याता का भान ही नहीं होता, केवल ध्येय वस्तु ही रहता है एकदम, तो वो समाधिस्थ कहलाता है और यही वास्तविक योगी का। तो इस तरह से आपने देखा कि मूल्य मीमांसा में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की बात कि अगर हम योग करना चाहते हैं, योग में आगे बढ़ना चाहते हैं, समाधि स्तर तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें अष्टांग योग का पालन करना आवश्यक है। और अष्टांग योग में भी यम और नियम का पालन किए बिना, आपने जाना कि यम पांच होते हैं और नियम पांच होते हैं, तो यम और नियम का पालन किए बिना हम धारणा ध्यान समाधि तक आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए यम नियम का पालन करना हमारे लिए एक योगाभ्यासी के लिए बहुत ही आवश्यक है, तभी हम समाधि की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। यही वास्तव में महर्षि पतंजलि का योग दर्शन है, इसी के आधार पर जो उन्होंने योग सूत्र लिखा है ये उनके एक दर्शन का ही एक है, इसके आप के चारों पादों को देखेंगे उसमें पूरा दर्शन ही समाहित है। और
यम नियम का पालन करना जो इनका अष्टांग योग है, इसका इन्होंने जीवन में इतना महत्व बताया है और अष्टांग योग का पालन की को करने की प्रेरणा दी है, इसको महत्वपूर्ण बताया है। तो मैं यही इसको समाप्त करना चाहूंगी और मैं ये बताना चाहूंगी आप सभी को कि मैंने बहुत संक्षिप्त में बहुत कुछ बताया है, क्योंकि एक घंटे के अंतर्गत हर चीज को बताना संभव नहीं था। जैसे यम यम ही पांच है, तो अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य सभी को बहुत डिटेल में उदाहरण द्वारा बताना, चित्र नियम को शौच संतोष इत्यादि को डिटेल में बताना यहाँ संभव नहीं था उदाहरण द्वारा, तो संक्षिप्त में बताया है। तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरा एक चैनल यूट्यूब पर है डॉक्टर विभा सिंह के नाम से ही, आप सभी उसे सर्च करेंगे और उसे सब्सक्राइब करेंगे। तो मैंने छोटे छोटे एमएड के विद्यार्थी हो, बीएड के विद्यार्थी हो, या दर्शन के विद्यार्थी हो, या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए वो सारे वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इस कारण से मैंने छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर बनाया है और यहाँ भी मैंने कोशिश की कि उन बिंदुओं को अवश्य बताऊं जो कि आपको यूजीसी और नेट में कुछ पूछे जा सकते हैं। मेरा प्रयास रहा और मैं इसमें कितनी सफल हुई ये तो योगेश जी बताएंगे, और इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, और मैं कहना चाहूंगा कि पार्टिसिपेंट्स के कमेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे, पार्टिसिपेंट्स आपके लेक्चर को बहुत एंजॉय कर रहे थे और काफी अच्छा लगा। कई कई लोगों के कुछ डाउट्स थे जो कि हमारे टीम के मेंबर्स ने साथ ही साथ उनको रिप्लाई भी किया है, और आपके लेक्चर को समराइज करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपने ये आज हमें समझा दिया कि बाकी सभी दर्शन हमें ज्ञान की ओर लेके जाते हैं, लेकिन योग दर्शन हमें वह अनुशासन सिखाता है जिससे हम उस ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं। तो आपने इतने अच्छे तरीके से मैक्सिमम पॉइंट्स जो कवर अप किए हैं और सारे के सारे उनको अपने मूल मीमांसा से भी जोड़ दिया, जो कि जी 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 और आपके लेक्चर से ही अब क्लियर भी हो गया होगा सभी को कि क्यों योग दर्शन को सांख्य दर्शन का व्यवहारिक पक्ष कहा जाता है, इस क्योंकि ये व्यवहार में अनुशासन को सिखाते हुए आपको कहाँ और कैसे ज्ञान प्राप्त करना है और कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो आपको अपने साथ लेके चलनी है, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है चीजों को, वो सब चीजें आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और जी 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 मैम आगे भी, और जैसे कि अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही है, मैं बाकी पार्टिसिपेंट की जानकारी के लिए बता दूं कि विभा सिंह मैम का अपना यूट्यूब चैनल भी है, आप उनको देख सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं, और मैम दर्शन के ऊपर मैम का पर्टिकुलरली काफी अच्छी कमांड है, और बहुत से लोगों हम तो मैम को गुरु माता बोलते हैं क्योंकि मैम हम लोगों को एक गुरु की तरह एक आशीर्वाद देती है और एक डायरेक्शन देती है, कभी जब मन दुखी होता है तो मैम से पूछते हैं तो मैम कोई ना कोई एक ऐसा आइडिया दे देती है जिससे हम लोगों की परेशानियां दूर हो जाती है। थैंक यू सो मच मैम, और बाकी सभी पार्टी पूरी टीम की तरफ से मैं सोमू सर का और विभा सिंह मैम का और अपने सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। नहीं बच्चों को जो भी डाउट्स होंगे वो हमारे पास कमेंट्स आते हैं उसके बाद फिर हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। बच्चों के हमारे पास एक हमने पूरा ग्रुप बनाया हुआ है मैम, और मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को भी इसके माध्यम से ही बताना चाहूंगा कि जल्द ही आपको क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, जिनको आप सॉल्व करेंगे और जिससे कि आपका थ्योरी के साथ साथ जो जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होती जाएगी।
आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। थैंक यू सब सभी पार्टिसिपेंट्स, धन्यवाद।